नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय बालाजी। आज मैं नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये जो हमें शादियों में गिफ्ट मिलते हैं, ये सबको मिलते हैं और सबके घर में मिलते हैं। मेरे पास तो पूरा बेड भरा हुआ है इनका। जैसे शादी में मामा जी को मिलता है, फूफा जी को मिलता है, हरियाणा में ऑलमोस्ट सबको दिया जाता है। तो कई जगह पर इनको अलग अलग नाम लिया जाता है। कुछ बोल देते हैं कि हमारे घर में जोड़े आए हैं, कुछ कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनका क्या होता है, जैसे शादी में मिले तो हम हमारी पूरी लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन इनका यूज नहीं होता। तो हम अपनी बुआ को दे देंगे, बुआ अपने आगे ननद को दे देगी, वो ननद आगे अपने मामा को दे देगी, मामा आगे अपने बेटी को दे देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये पूरी लाइफ बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। मैंने इन पर तरस खाकर ये वीडियो बनाई है ताकि इन इनका कुछ बन सके और यूज हो सके अच्छे से। अब ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पिल्लो कवर बनाया है। कितना अच्छा बना हुआ है, क्या आप बता सकती हो ये मैंने किससे बनाया है? ये मैंने इन्हीं कपड़ों से बनाया है। जो पैंट सूट होते हैं, जो 100 रुपये की पैकिंग आती है, उनसे ही मैंने ये बनाया है। ये पूरा तैयार किया है। इसको हम डाइनिंग टेबल पर डाल सकते हैं, उसके ऊपर कुलदान वगैरह रख सकते हैं, पायदान भी बना सकते हैं, काफी यूज हो सकता है। इनका मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे बनाया है। पहले मैं 10 इंच 10 बाय 10 का एक फैब्रिक कट करूंगी। ये भी मैं पूरा उतना ही लूंगी, 10 बाय 10 का। इनको कट कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने 10 बाय 10 का फैब्रिक लिया है। ये हम दोनों ने पूरे इक्वल कट करने हैं। अब फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए, काफी कुछ बना सकते हैं हम, बेडशीट भी बना सकते हैं। देखिए, प्रेस से चिपकाएंगे हम इसको और कट कर लेंगे। इस पे भी हम फ्यूजिंग पेपर चिपकाएंगे। आप घर में बनाना जरूर। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ लेना। वैसे बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल इजी होता है ये बनाना। और अपने बेड को थोड़ा खाली कर देना, मेरे तो बेड भरे हुए हैं। अब मैं यही करती हूँ। पिल्लो कवर बनाए हुए हैं मैंने, पायदान बनाए हुए हैं मैंने इनसे, क्योंकि इनको कोई भी नहीं सिलवाता। ये देखो, फ्यूजिंग पेपर लगा दिया ना। अब हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। हम इसको स्टिच करेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसको स्टिच कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे, ये पूरा चारों तरफ से तो स्टिच हो गया है, और अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हम एक कोने से दूसरे कोने पर स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस कोने से दूसरे कोने तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखना नीचे का फैब्रिक ना कटे, फिर हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है हम उसको ऐसे कट कर देंगे। ऐसे ये बड़ा बनता जाएगा, आप इसको कितना भी बड़ा बना लो। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर फैब्रिक लेंगे, जैसे बीच में हमने ये किया साइड में ये आ गया, तो दोबारा फिर हम ये वाला फैब्रिक लेंगे, दोबारा फिर हम इसको ऐसे इस पर रखकर जितना बड़ा ये होता है, जितनी इसकी लेंथ होती है उतना ही पीस हम कट करेंगे, ऐसे ही दोबारा से स्टिच करेंगे, और ऐसे ही दोबारा से ये नहीं कट करना है, ये वाला कट करना है जो प्लेन होगा, वो कट करते जाएंगे और ये सारा गुम होता रहेगा। ऐसे ही पीस हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा, ये देखो बन रहा है ना, ऐसे ही पूरा बनता जाएगा और पूरा गुम होता जाएगा, ये चीज़ ना पूरी गुम हो जाएगी आपकी। इससे आप कितना बड़ा बेडशीट बना सकते हो, पिलो कवर बना सकते हो, कितना बड़ा भी बना सकते हो। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल लाइक, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे बता सकते हो। जय हरियाणा, जय भारत।